यूपी के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार 2 माह से भूखा है। 5 बच्चे और महिला समेत पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस झकझोर देने वाले मामले ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए। देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 107,710 संक्रमित ठीक हुए और 2,539 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 की कमी हो गई है। गुजरात के आणंद जिले के इंद्रनाथ गांव के निकट एक कार की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने आज सुबह टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोग मारे गए। दुर्घटना में मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। केंद्र ने इथेनॉल बनाने के लिए साल 2020-21 में डिस्लरीज को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारतीय खाद्य निगम के शेयरों से लगभग 78,000 टन चावल बांटा है। इनकी जानकारी खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने मंगलवार को दी है। रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत फिर बिगड़ गई है। उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात से ही उसे बेचैनी हो रही थी और सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया।